प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका रियाजी का मेज़बान मौलिम आसिफ खान सर। अज़ीज़ बच्चों, आपको आपके वालिदैन रोज़ाना ख़र्च के लिए कुछ ना कुछ रुपये देते हैं या आप अपने वालिदैन से कुछ रुपये लेते हैं, जिसको आप एक डिब्बे के अंदर या मनी बैंक में जमा करते हैं, ज़खीरा करते हैं। ये ज़खीरा करना रियाजी के अंदर जमा का अमल कहलाता है। जमा कहते हैं इकट्ठा करने को, एक साथ करने को, मिलाने को, यकजा करने को। तो जमा हासिल वाली किस तरह की जाती है, इसे हमको सीखना है। तो जमा करते वक्त जमा हासिल वाली जमा यानी क्या? हासिल वाली जमा यानी इकाइयों को मिलाकर जब दहाई बनती है तो उसे हमको दहाई के खाने में रखना पड़ता है। बड़े से बड़ा अदद एक हिंदी से अदद नौ है, जिसको जब इकाइयों की जमा नौ होती है तो इकाई के खाने में रखा जाता है। यानी बड़े से बड़ा हिंदी सा अदद हम सिर्फ नौ रख सकते हैं इकाई के खाने में। उसके बाद जब दहाई बनती है, नौ से ज़्यादा जमा आती है इकाइयों की, तो हम उसको दहाई के खाने के अंदर रखते हैं। और दहाइयों की जमा करते वक्त उसको मिलाकर फिर दहाई के अंदर वो जवाब हासिल किया जाता है। दहाई के अंदर लिखकर वो जवाब हमें हासिल होता है। हासिल जमा हमको मालूम होती है कि इन दोनों अददों की जमा क्या है। तो हम किस तरह हासिल वाली जमा करेंगे, इसे हम अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।